सर जी यस लिख दीजिए ताकि हम अपना लेंगे। सर वॉइस स्लो है सर, आवाज़ बहुत कम हो गई है। आवाज़ क्यों कम आ रही है? अच्छा वैसे मुझे लगता है इसी क्लास में इशू है, इसी क्लास में इशू है। आप भी आप देखिए, अब आवाज बेहतर है। ये देखिए ना, मैंने बिल्कुल मुंह के पास माइक रखा हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब जजाकल्ला जी, अब बेहतर है। वो कह रहे हैं जी अब हम इसको शुरू करते हैं। लिंक ग्रुप में है भाई? अच्छा जी, चलो सर मैं शुरू करता हूँ अपना आज का काम। अपना आज का काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो अच्छा सर, आज मैं आपके साथ दूसरा चैप्टर शुरू करने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन इनकम टैक्सेस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होती है, जरा इसको डिस्कस करना है आगे में अच्छी तरह। सर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे जो है ना, सारे कानून जिसके मातहत हैं और जो किसी मुल्क का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यार वो कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है। तो सर लिंक उस ग्रुप में आया हुआ है, आप उसमें डिसेबल नहीं कर देते। सर अभी आवाज वाला मसला तो आज क्लियर हो जाता है। सर में ना, अब एक स्टूडेंट कह रहा है मुझे क्लियर आ रही है, इसका मतलब ये है। सर अभी जनाब, सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन टैक्सेस की बात अगर हम करें तो फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले इसकी बात करते। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, और ये प्राइम सोर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेशंस है। यानी जितनी भी कानून साजी या कानून बनेगा पाकिस्तान का, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस आइन में, पाकिस्तान में कौन सा आइन इस वक्त नाफिज है? 1973 का आइन पाकिस्तान में इस वक्त नाफिज है। और उस आइन में टैक्स के हवाले से भी कुछ शिके और कुछ प्रोविजंस मौजूद हैं जिसमें बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कितने पैसे और कितनी पावर विफाक के पास होनी चाहिए और कितनी पावर जो है वो टैक्स लगाने की और टैक्स इकट्ठा करने की सूबों के पास होनी चाहिए। सर आपको बताता चलो, विफाक के पास भी पावर है और सूबों के पास भी पावर है। विफाक के पास कितनी पावर होनी चाहिए और सूबों के पास कितनी पावर होनी चाहिए, बहस ये असल में चल रही।
इसका फैसला आइन ने कर दिया हुआ है, आइन ने बता दिया हुआ है और आइन के जरिए तकसीम होती है। अब आइन में क्या लिखा हुआ है टैक्स के हवाले से, ये हमारे कोर्स में शामिल है। इसने आइन ने बकायदा पर बताया हुआ है कि टैक्स लागू और टैक्स कलेक्ट किस तरह करना है और क्या प्रोसीजर है, जो जो पैसा इकट्ठा होगा टैक्सेस से और बाकी जगह से उनको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज टैक्स फॉर यूज ऑफ फंड्स। अच्छा जी सर, अच्छा जी सर जी, फेडरल कंसोलिडेशन फंड एंड पब्लिक अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर्स टू बी चार्ज टू फेडरल कंसोलिडेशन फंड। अगर वो मुझसे पूछे कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड क्या है तो मैं उसे कहूंगा फेडरल कंसोलिडेशन फंड का मतलब है कौमी खजाना। सर पाकिस्तान में जितना भी पैसा टैक्स का जमा होगा वो कौमी खजाने में जाएगा, पाकिस्तान में जितना भी लोन आएगा आईएमएफ का वो कहाँ जाएगा, फेडरल कंसोलिडेशन फंड में जाएगा। पाकिस्तान में कोई बंदा आता है वो वीजा फी देता है, कोई टैक्सेस के पैसे आते हैं, वो सारे पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में जाते हैं। सर ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स का आसान अल्फाज में मतलब है कौमी खजाना और रेवेन्यूज रिसीव बाय द फेडरल। सर पाकिस्तान में तेल है वो एक्सपोर्ट होता है तो पैसा किधर आएगा, फेडरल कंसोलिडेशन फंड। सर जी पाकिस्तान ने कोई लोन लिया है तो वो पैसा किधर आएगा, फेडरल कंसोलिडेशन फंड। पाकिस्तान में कोई बंदा घूमने आना चाहता है और वो बहुत ज्यादा लोगों में लगान घूमने आते हैं बाइक से, वो वीजा फी पे करते हैं, सर ये भी कौमी खजाने का हिस्सा बनता है, ये रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होता है। जितना भी कर्जा लेगी फेडरल गवर्नमेंट वो भी फेडरल कंसोलिडेशन फंड, जितने पैसे भी वसूल करेगी फेडरल गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। किसी बंदे ने अगर कोई खुश नसीब है जिसने पाकिस्तान से लोन लिया हुआ था और वो लोन वापस करे पाकिस्तान का, तो वो पैसे भी किधर जाएंगे, कौमी खजाने में जाएंगे। जो पैसे वसूल किए हैं लोन की रीपेमेंट के हवाले से वो भी पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में जाएंगे। सर इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट की और स्कीम्स हैं या प्राइस बॉन्ड्स हैं ये भी और फेडरल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों जो आपका बहरिया का ऑनर है उस पर टैक्स लगाया था और उसने फैसला सुनाया था कि आप 4 अरब या 5 अरब पता नहीं कितने अमाउंट दें, वो पैसे को उसने भिजवाए तो वो कहाँ गए। सर वो पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के फैसले पर आए हैं, वो पाकिस्तान के खजाने का हिस्सा बनेंगे। ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट है। पैसा आता कहाँ से है सर, ये अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं। सर पैसा आता कहाँ से है, This is the debit side of the account. Revenues, loans, repayment of loan. अगर सिर्फ फेडरल कंसोलिडेशन फंड की बात करें तो ये तीन चीजें हैं, लेकिन अगर फेडरल कंसोलिडेशन फंड और पब्लिक अकाउंट दोनों की बात करें तो पब्लिक अकाउंट के बारे से ये मजीद दो चीजें भी एड हो जाती हैं। अच्छा जी सर मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड में क्या क्या चीज आती है, आपको समझ आ गया, यस और नो प्लीज लिख दीजिए। सर कौमी बचत स्कीम के बैंक नहीं जगह जगह बने हुए,
सर इसमें जो पैसे हैं ये पब्लिक गवर्नमेंट जाते हैं ना, कौमी खजाने में जाते हैं, और प्राइस बॉन्ड नहीं होते, जो प्राइस बॉन्ड जो हम कहते हैं बॉन्ड निकला है सर वो गवर्नमेंट का होता है ना, वो प्राइस बॉन्ड कहलाते हैं। स्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। अच्छा जी, ये जो कौमी खजाना है इसका रखवाला कौन है? अगर पैसे देने हो तो बस जिसका दिल चाहेगा कौमी इंदराज में से पैसे निकाल के दे देगा, या उसका कोई तरीकेकार है? सर इसका तरीकेकार है। क्या तरीकेकार है? सर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स का रखवाला कौन है? पेमेंट कहाँ जाती है, पेमेंट कहाँ से आती है, इस सारी एक्टिविटी का रखवाला जो है वो द कस्टडी ऑफ अदर मनी रिसीव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, देयर पेमेंट बी ड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट या ऑल अदर मैटर्स कनेक्टेड शैल बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको रेगुलेट करता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है फंड्स को, जो पैसे खर्च होने हैं, जो पैसे आने हैं, जो पैसे जाने हैं, वो कौन रेगुलेट करता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रेगुलेट। फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट बिफोर नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फॉर दैट ईयर रेफर्ड टू एज द एनुअल बजट स्टेटमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट बिफोर नेशनल असेंबली। सर होता ये, हम ये स्टोरी आपको पहले भी सुना चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पेश करेगी नेशनल असेंबली के सामने बजट, वो नेशनल असेंबली बजट में, अब बजट में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक वो खर्चा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से करना है, और कुछ वो खर्चा जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से नहीं करना। एक खर्चा कौमी खजाने से करना है और एक खर्चा कौमी खजाने से नहीं करना। तो भाई ये जो खर्चे है ना इसकी तफसील लिखी होती है और इसको बाकायदा सेपरेट किया जाता है, कौन सा खर्चा कौमी खजाने से करना है, कौन सा खर्चा कौमी खजाने से नहीं करना। जेल में फौरन ये बात आती है, सर कौन सा खर्चा है जो कौमी खजाने से होता है और कौन सा खर्चा कौमी खजाने से नहीं होता, जरा इसको देख लें। यानी जब बजट स्टेटमेंट होती है तो उसमें अलग अलग लिखा होता है कौमी खजाने के पैसों से कौन सा खर्चा करना है और कौन सा खर्चा कौमी खजाने के पैसों से नहीं करना, इसको अलग अलग लिखा होता है। सर कौन सा खर्चा है जो कौमी खजाने के पैसों से करना है, जरा देखिए आपके सामने लिस्ट आ रही है। सर ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए ना, ये कौमी खजाने के पैसे से मोचे करते हैं। कौन? आपका सदर, सदर पाकिस्तान। सर ये सदर एक बंदा नहीं है, ये पूरा ऑफिस है, पूरा एरिया, मतलब पूरा खर्चा है। ऐसे नहीं कि सदर एक बंदा है जो साइकिल पे है और बस बात खत्म। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सदर साहब है, तो पूरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस में स्टाफ है, फिर सदर घर मिला हुआ है, फिर सदर साहब घर जो है घर की लवाजमात है, वो सारा खर्चा जो है वो आपके फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होता है। उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट का जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमीशन चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर,
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सारे वो लोग हैं जिनका खर्चा कौन उठाता है, ये सारे वो लोग हैं जिनका खर्चा कौमी खजाने से किया जाता है। और मैं फिर कहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट का जज कोई एक बंदा है या पूरी सुप्रीम कोर्ट है, जिसके सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके जिसका पूरा पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक माहौल है, वो दो चार पांच लोग नहीं है, इसकी सिक्योरिटी के लिए 20 लोग हैं, जिसके मिसाल के तौर पे अंदर अदालतें लगती हैं, प्रॉपर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, चेयरमैन डेप्टी चेयरमैन है, स्पीकर डेप्टी स्पीकर है, ऑडिटर जनरल, ये सारे लोगों की तनख्वाह है। और इन सारे लोग, ये सिर्फ लोग नहीं, पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कौमी खजाने से पैसा किधर जा रहा है, अब समझ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खर्चे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खर्चे, ऑडिटर जनरल का पूरा डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दफ्तर, नेशनल असेंबली, इतना बड़ा हॉल, इतने लोग, इतने खाने, इतनी कैंटीने, सारे लवाजमा, सारा स्टाफ, सारी सिक्योरिटी, सेनेट का सेक्रेटेरिएट, नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट से बुरा वो जगह जहां पर सेनेट है और नेशनल असेंबली है, वो पूरा एरिया। तो अब आपको पता चला है किन किन लोगों को कौमी खजाने से तनख्वाह मिल रही है, किन किन लोग कौमी खजाने से पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये सर, अगर आपने कोई खर्चा लिया, आपने IMF से लोन लिया हुआ था, तो उसका इंटरेस्ट नहीं देना सर, वो कौमी खजाने से लेना सर। फंड चार्जेस, सिंकिंग फंड चार्जेस, आपने डैम बनाना था, आपको 600 अरब चाहिए था, आपके पास 5 अरब था, आपने एक जो है ना फंड, सिंकिंग फंड क्रिएट कर दिया, समझ लें गल्ला खरीद लिया जिसमें पैसे जमा कर रहे हैं, उसके चार्जेस सर, आपकी इंटरेस्ट या अमोर्टाइजेशन सर, लोन सर, IMF वालों से लोन लेने के लिए पाकिस्तान की वित्तीय लग गई, तो भैया ये सारा पैसा जो लोन लेने के लिए खर्चा हो रहा है, कभी किसी से फिजिबिलिटी बनवाते हैं, कभी किसी से फिजिबिलिटी बनवाते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट पूरा करते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट पूरा करते हैं, और सर पूरी टीम लगी हुई है, 70 बंदा लगा हुआ पाकिस्तान के लोन लेने के लिए, अब ये सारे डिपार्टमेंट में इतना बंदा तो लोन रेज करने के लिए काम कर रहे हैं, इस सारे की बात करें। सर्विसेज एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स, डेट को लेने की सर्विस, डेट को हासिल करने का खर्चा, ये सारा कुछ भी कौमी खजाने से किया जाता है सर। अगर ये स्लाइड समझ आ गई तो प्लीज एक बार वाई लिख दीजिए, अगर नहीं समझ आई तो नो लिख दीजिए, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। सर ये रिडेम्पशन ऑफ डेट से क्या मुराद है? रिडीम कहते हैं वापसी को, ठीक है, आपने इंटरेस्ट वापस किया तो वो भी कौमी खजाने से जाएगा, और आपने असल रकम वापस की है तो वो भी कौमी खजाने से जाएगी। कोरम ने भी यही सवाल पूछा है, सर जी आपने डेट सर्विस किया है, डेट लिया है या डेट को वापस किया? सर जी ये चीजें याद कर ली, आपको सवाल वो ये पूछ रहे थे कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से कौन कौन से खर्चे किए जाते हैं, एक बार आया हुआ लेकिन आया हुआ ये वाला सवाल बताओ। आगे चलते सर जी, जिस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और जुर्माना हुआ और जुर्माने के पैसे कौमी खजाने में गए, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ रहे थे, तो वो भी कौमी खजाने से ही किए जाएंगे। और भी कोई खर्चा जिसको पार्लियामेंट वाले कह दें तो वो भी कौमी खजाने से किया जाएगा। Procedures relating to annual budget statement.
प्रोसीजर रिलेटेड टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेशन फंड मे बी डिस्कस्ड इन शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ नेशनल असेंबली. एनुअल बजट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेशन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स मे बी डिस्कस्ड इन बट शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ नेशनल. एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है जिसका जो ताल जो तलका है रिलेटेड है एनुअल बजट स्टेटमेंट जिसमें एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उन पर खर्चे लिखे तो जाते हैं लेकिन इस पर वोटिंग नहीं होती, डिस्कशन हो सकती. सर असेंबली के सामने कुछ खर्चे रखे जाते हैं, बजट रखा जाता है, उसमें खर्चे होते हैं. जो खर्चा कौमी खजाने से करना है उस पर वोट नहीं होता कि ये खर्चा करें या ना करें. हाँ, जो खर्चा कौमी खजाने के अलावा किसी और चीज से करना है तो उस पर वोटिंग होती है. अब जरा देखिएगा, जो खर्चा कर ही कौमी खजाने से रहे हैं उस पर कोई वोटिंग नहीं सर. यानी वो बैठ के ये फैसला करेंगे इस बार प्रेसिडेंट को तनख्वाह देनी है या नहीं देनी, इस पर वोटिंग नहीं होती. तो ये कौमी खजाने से खर्चा किया जाता है वैसे ही कर. हाँ, कौन सा खर्चा कौमी खजाने से नहीं किया जाता? जो खर्चा कौमी खजाने से नहीं किया जाता रिलेटेड टू अदर एक्सपेंडिचर वो नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है और उसके बारे में डिमांड रखी जाती है कि इतने पैसे ग्रांट करें, इतना खर्चा तालीम पे करना है, इतना खर्चा हेल्थ पे करना है, इतना खर्चा सिक्योरिटी पे करना है, इतना खर्चा पुलिस को चाहिए, इतना खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, रिट्रेन पे करना है, पे कहते हैं पुलों पे खर्चा हो रहा है, डैमों पे खर्चा हो रहा है, इस पर ये एक्सपेंडिचर अदर देन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इस पर ग्रांट मांगी जाती है, बकायदा वोटिंग होती है. असेंबली चाहे तो ओके कर दे मिलकर, असेंबली चाहे तो डिसएग्री कर दे, और असेंबली चाहे तो अमाउंट रिड्यूस कर दे. नेशनल असेंबली जो फैसला करेगी उस पर अमल हो. नेशनल असेंबली ने ओके कर दिया तो क्या हो सर? अब आपके सामने एक बात तो समझ आ रही है आपको कि गेम है नेशनल असेंबली. अगर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स थे तो सिर्फ नेशनल असेंबली ने देखना था, और अगर अदर देन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स से अदर देन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स से तो नेशनल असेंबली ने वोटिंग काउंटर चलना था, कितने वोट हक में है और कितने वोट इसके खिलाफ. ये हो गया काम. अब पैसे चाहिए. पैसे मिलेंगे जब प्राइम मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करेगा, यानी साइन करेगा, अप्रूव करेगा. प्राइम मिनिस्टर शैल ऑथेंटिकेट बाय सिग्नेचर कैजुअल स्पेसिफाइंग grant made or deemed to have been made by the National Assembly and several sums required to meet the expenditure charged upon federal consolidated funds but shall not exceed the sum shown in the statement previously led before National Assembly. So grant made or deemed to have been made by the National Assembly, several sums required to meet the expenditure charged upon federal consolidated funds but shall not exceed the sum shown in the statement previously led before national assembly. वो कहता है कि भैया जो तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड वाले खर्चे थे तो भैया वो तो खर्चे जिस तरह नेशनल असेंबली ने भी बस देखे और डिस्कस किए, इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो वाले खर्चे देखेगा और साइन करेगा. बट और दूसरे वो वाले खर्चे जो अदर देन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हैं
उसमें प्राइम मिनिस्टर उनसे उतनी अमाउंट से ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता जितनी अमाउंट का नेशनल असेंबली में अप्रूवल दी गई है, यानी जितनी अमाउंट की नेशनल असेंबली में अप्रूवल दी गई है उस अमाउंट से ज्यादा के खर्चे एड्रेस उस अमाउंट से ज्यादा के खर्चे नहीं कर सकते। No expenditure from the Federal Consolidated Fund shall be deemed to be duly authorized unless it is specified in the schedule so authenticated and such schedule is laid before the National Assembly. वो कहता है कोई भी खर्चा जो Federal Consolidated Fund से किया गया है वो authorized नहीं समझा जाएगा जब तक उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश ना किया जाए। सर नेशनल असेंबली ने उसको उस पर हाँ ना वोटिंग नहीं करनी लेकिन उनको उनके सामने पेश किया जाता है रखा जाता है। तो अगर कोई खर्चा नेशनल असेंबली के सामने रखा गया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो खर्चा करना है नेशनल असेंबली के सामने रखा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको ऑथेंटिकेट करेगा तो ही वो खर्चा रिलीज होगा तो ही फंड रिलीज होगा। हाँ दूसरे खर्चे जो अदर देन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उनके हवाले से भी नेशनल असेंबली अप्रूवल करती है नेशनल असेंबली उसको अप्रूव करती है और प्राइम मिनिस्टर उतने खर्चे ऑथेंटिकेट करके फंड रिलीज होते हैं लेकिन वो फंड्स जो है वो जितनी अमाउंट नेशनल असेंबली ने अप्रूव किए उससे ज्यादा के नहीं हो सकते। सर जी अगर ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आई तो प्लीज एक बार बताएं। सर ग्रांट तो हुकूमत का पैसा है नेशनल असेंबली का फैसला करती है नेशनल असेंबली में सारे एमएलए शामिल है ना ये फैसला करती है ये खर्चा करना है या नहीं करना उसके समय में उसको प्राइम मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करता है तो वो खैर खर्चा कर सकते हैं पैसे आ जाते हैं। उसामा आपके सवाल का जवाब मैंने दिया सर जी अगर समझ आ गया है तो वाई नहीं समझ आया तो एन मगर प्लीज कुछ तो लिखिए। सर आपका फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स भी होता है और पब्लिक अकाउंट भी होते हैं ना ये दोनों चीजें होती है अदर कंसोलिडेटेड फंड में पैसे वहां से आते हैं। जी बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिखा तो जा सकता है लेकिन अगर आप यही अल्फाज रिटेन करेंगे तो बेहतर है। सर जी मैं आपको आज के दिन में मैंने आपको क्या पढ़ाया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड क्या होता है एनुअल बजट क्या होता है ऑथराइजेशन कैसे होती है इसके अलावा आपको मैंने आज बजट स्टेटमेंट के बारे में बताया कौन से खर्चे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है उसका रखवाला कौन होता है ये सारी डिस्कशन आज हुई है इंशाल्लाह कल इससे आगे डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह हम ये वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको एक ऐसी गोल की बात भी बताऊंगा जिससे आपका ये चैप्टर एकदम आधे से ज्यादा कवर हो जाएगा। सर कोई सवाल पूछना पूछ लीजिए आज के लिए आज मैंने पढ़ाना आपको इतना ही था। तो सर
सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।